सरकार आरएसएस ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ बड़ि पुजारी को व्हाट्सएप पर अलग अलग भाषाओं में तीन धमकी भरे मैसेज आते हैं और मैसेज में लखनऊ के अलावा नवाबगंज और कर्नाटक के चार जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल सोलांस टीम इस नंबर की जांच पड़ताल कर रही है, साइबर सेल नंबर को ट्रेस करने में लगा हुआ है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ी है। लखनऊ स्थित संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद लखनऊ के मड़ियाओं थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। संघ के जिस ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई है वहां के व्यवस्थापक राहुल जी हैं मेरे साथ। राहुल जी, क्या है पूरा मामला और किसके फोन पर यह धमकी भरा मैसेज आया है? देखिए, सुल्तानपुर के कोई नीलकंठ जी हैं, उनके फोन पर मैसेज आया है ये और उनके द्वारा सूचना भी दी गई मड़ियाओं पुलिस को। तो परसों रात में मड़ियाओं थाने के जो SHO हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर आए, 2-3 घंटे रुके। उनके एक SI और 2 कांस्टेबल रात भर यहाँ बैठे रहे और सुबह फिर SHO साहब द्वारा जो भी आकर के थोड़ा लिखा पढ़ी करके वापस गए। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ अगर ऐसा समस्या रहती है तो आप तुरंत कॉल करें और हम लोग मौजूद रहेंगे। जिसके नंबर पर ये मैसेज आया है, क्या वो भी संघ से जुड़े पदाधिकारी? हाँ, संघ से जुड़े हुए ही होंगे, चूंकि यहाँ के तो नहीं है वो, इसलिए मेरी जानकारी में तो नहीं है। और बाकी जो भी ज्यादा जानकारी होगी वो हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अभी इस समय पर वर्क चल रहा है निराला नगर में, तो ज्यादातर लोग सभी लोग वही हैं। तो क्या इसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई? जी हाँ, इसी ऑफिस का अलीगंज सेक्टर Q का यही एक ऑफिस है जो संघ का कार्यालय भी है और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का भी कार्यालय है। अच्छा। जी, तो ऊपर का पोर्शन संघ का कार्यालय है, RSS का जिला है ये उत्तर भाग लखनऊ का, और नीचे का संघ की विचारधारा का ही संगठन है। तो विद्या भारती का भी काम यहाँ से, और विद्या भारती का बगल में विद्यालय है। नहीं, ऐसा अभी पुलिस ने हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी है, और पुलिस ने कहा कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आप लोग अपना थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। बाकी ये कार्यालय है, कई लोग आते जाते रहते हैं, तो जो परिचित लोग हैं वो आए जाएं, बाकी अपरिचित लोगों से थोड़ा सा। मैसेज परसों आया था? हाँ, परसों रात में ये मैसेज आया है और परसों रात में ही पुलिस की टीम यहाँ आ गई थी। वो लोग आते जाते रह रहे हैं, कल भी आए थे और आना जाना उनका जारी है। ऐसा कुछ अगर उनके द्वारा कहा भी गया है कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप बताइए। पहले भी ऐसी कोई धमकी? इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और यहाँ के लिए फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वीडियो के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। ज्ञान व्यापी मामले पर अखिल भारत